नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शहीद भगत सिंह की 114वीं जयंती मनाई गई, उनकी कुर्बानी को किया गया याद। डीसी ने हरी झंडी दिखाकर पोषण रथ किया रवाना। कपाली यूपी क्षेत्र के ताजनगर में नव विवाहिता की हत्या मामले में पुलिस ने पति समेत सास ससुर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और सरायकेला खरसवा के कुदरसाई में एक युवक को गोली मारने के बाद पत्थर से सर कुचलकर की गई हत्या, मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं। खबरें विस्तार से। कदमामैत की ओर से शहीद भगत सिंह की 114वीं जयंती मनाई गई, उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। शहीद भगत सिंह 114वीं जयंती 28 सितंबर को शहर के विभिन्न भागों में मनाई और उनकी कुर्बानी की चर्चा की गई। कदमा में टाइगर क्लब की ओर से शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई। इस अवसर पर उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम के संबंध में टाइगर क्लब के सदस्य ने इस संबंध में जानकारी दी। मैं अपने वीर शहीद भगत सिंह जी को 114वां जयंती में कोटि कोटि नमन करता हूं और साथ ही साथ मैं उन माँ के को भी नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे वीर को जन्म दिया। हम सभी साथी को ये गर्व है कि हम उस मिट्टी से जन्मे हैं जहां शहीद भगत सिंह जी निवास करते थे। एक टाइम जब दुनिया ब्रिटिश हुकूमत के आगे सर झुकाता था, उस समय ब्रिटिश सरकार के दांतों को खट्टा करने का काम किया है हमारे शहीद भगत सिंह जी ने। इधर विगत 9 सितंबर से पूरे भारतवर्ष में पोषण माह 2021 मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिले में 6 माह से लेकर 2 वर्ष के बच्चों के सही पोषण के लिए जमशेदपुर जिला मुख्यालय से पोषण रथ को रवाना किया गया। देश भर से कुपोषण को दूर करने हेतु इस अभियान को भारत वर्ष में चलाया जा रहा है। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन भी इसको लेकर सतर्क है और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को जिले के उपायुक्त ने जिला मुख्यालय परिसर से पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि पौष्टिक आहार 6 माह के बच्चों से लेकर 2 वर्ष के बच्चों को समय पर मिले, इसको लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। कुपोषण को सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज डाइट से नहीं बल्कि अपने जो आसपास चीज़ें हो रही हैं, साग सब्जी हो रहे हैं, दूध अंडे मांस हैं, जो हमारे डेली डाइटरी हैबिट का पार्ट है, उसको भी अच्छे तरीके से सुधार करके सही कर सकते हैं। तो इस पोषण रथ के माध्यम से हम लोग यही बता रहे हैं लोगों को कि अगर आपको कुपोषण से निपटना है तो स्पेशल डाइट के अलावा भी अपने से आसपास के डाइट को अगर अच्छे तरीके से आप लेना शुरू कर दें, अगर आप सैनिटेशन और हाइजीन की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर लें तो उसके बाद फिर आपका बच्चा जो है वो कुपोषित नहीं होगा और एक स्वस्थ इंडिविजुअल और वयस्क रूप में आएगा। इसी के लिए हम लोग यहाँ से जागरूकता रखा हुआ। सरायकेला खरसवा जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के ताजनगर में 19 वर्षीय नव विवाहिता आफरीन परवीन की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने मृतका आफरीन परवीन के पति कलाम अंसारी सास ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सोमवार की शाम पुलिस ने तीनों को गौसनगर से गिरफ्तार कर लिया था। मालूम हो कि सोमवार की अहले सुबह आफरीन परवीन की शव संदिग्ध अवस्था में घर में पड़ा हुआ था। मृतका के पिता मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी लिखित बयान पर मामला दर्ज कर
पुलिस ने मृतका के पति, सास एवं ससुर को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। मृतका के पिता मोहम्मद कमरुद्दीन ने सोमवार की शाम पति, सास, ससुर एवं दो ननंद के खिलाफ कपाली ओपी में हत्या का मामला दर्ज किया था। ससुराल वालों की जैसा कि आवेदन प्राप्त हुआ उसमें उनके परिजनों मायके वाले कंप्लेन किए थे कि इनके ससुराल वाले ने मिलकर साजिश के तहत उनको हत्या की। इसके आधार पर तीन लोग उनके साथ ससुर और उसके पति कलाम तीनों को मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था जिन्हें न्यायिक हिरासत में। चौथा एक पोक्सो एक्ट है वो हुआ था पिछले महीने हुआ था जिसमें एक अक्यूज पकड़ाया था वो फरार चल रहा था पकड़ा गया उसे हम लोग न्यायिक हिरासत में। सरायकेला खरसवा में अवैध कारोबार फल फूल रहा है, आपराधिक मामले भी बढ़ रहे हैं। सोमवार देर शाम की घटना है। सरायकेला के कुदरसाई में ट्रैक्टर मालिक को तीन गोली मारने के बाद सर को पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। अपराधी मृतक की पहचान मिटाने की कोशिश में पत्थर से सर कुचलने का प्रयास किया गया। सरायकेला खरसवा जिला के कुदरसाई गाँव स्थित खेत से 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का नाम आशीष त्यू है जो ट्रैक्टर से बालू, ईटा, गिट्टी और बालू सप्लाई का धंधा करता था। मृतक के शरीर में तीन जगहों पर गोलियों के निशान मिले हैं। वहीं घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी से युवक का मोटरसाइकिल और एक खोखा मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही सरायकेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभावना जताई जा रही है कि मृतक की पहले गोली मारकर हत्या की गई है, उसके बाद पत्थर से उसके सर को कुचल दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से एक बोल्डर भी बरामद किया है। मृतक के पिता राजेंद्र तियू रिटायर्ड पुलिस कर्मी है और उनका चाईबासा सरायकेला मार्ग में ईटा, गिट्टी और सीमेंट की दुकान है। मृतक की बहन सुकमिति बना सिंह ने बताया कि आशीष का खुद का ट्रैक्टर था और उसे चलाता भी था। सोमवार को गांव के ही महेंद्र रावतिया के साथ उसकी झड़प हुई थी। उन्होंने बताया कि जब सोमवार की देर शाम उसका भाई घर नहीं लौटा तो परिजनों ने काफी खोजबीन की। मंगलवार की सुबह खेत में छत विछत अवस्था में भाई का शव मिला। शव के बगल में ही पत्थर का बोल्डर भी मिला। ग्रामीणों के अनुसार रात में गोली चलने की भी आवाज सुनाई दी है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। शव के आसपास की स्थिति देखकर ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि घटना को कई युवकों ने मिलकर अंजाम दिया है। मृतक ने बीच बचाव का भी काफी प्रयास किया है। वैसे सूत्र बताते हैं कि बालू के वर्चस्व को लेकर उक्त हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारों की तलाश में छापेमारी भी शुरू कर दी है। हम तो उसकी दीदी हैं, तो वही शाम में कुछ एक ही लड़का के साथ में झगड़ा उसका हो रहा था, उसे खबर मिला हम लोग को। तो उसके बाद तो दोनों को अलग करके दोनों को अपना अपना भेज दिया अपना अपना घर। उसके बाद में रात में फिर पता नहीं चला वो फिर कब आया, और उसका रात में फिर उसका गाड़ी पड़ा हुआ था बीच में, तो एक गांव वाला लोग हम लोग खबर दिया कि आपका भाई का गाड़ी बीच में पड़ा हुआ रोड के बीच में। कैसी हत्या हुई है? देखिए ये तो स्पष्ट नहीं हुआ है कि मामला क्या है, क्योंकि इतना मालूम होता है कि गांव के कुछ लड़कों के साथ आपसी विवाद उत्पन्न हुआ था, किस वजह से लेकर ये तो नहीं मालूम स्पष्ट है। कब हुआ था विवाद? ये कल का ही बात है। कितने बजे का? करीब 3-4 बजे शाम में। ये हत्या रात में हुई है? हत्या रात में हुई है। हाँ, ग्राम कुदरसाई में पिछले रात्रि एक युवक की हत्या हुई है। इसमें प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गांव में उसका झगड़ा हुआ था और यहाँ पे एक खोखा भी मिला हुआ है, और हम लोग प्रारंभिक जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जल्दी इसमें उद्भेदन हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सपोर्ट ऑफ केयर इंडिया इन कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव इन झारखंड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को पुराना विधानसभा के बगल स्थित मैदान दुर्वा रांची से सपोर्ट ऑफ केयर इंडिया इन कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव इन झारखंड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोविड 19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से मंगलवार को 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को राज्य के विभिन्न जिलों में रवाना किया जा रहा है। ये सभी वैन टीका एक्सप्रेस के रूप में टीकाकरण अभियान को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से आने वाली संभावित चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी की गई है। राज्य के सभी जिलों में टीका एक्सप्रेस चलाकर छूटे हुए लोगों का वैक्सीनेशन कराने का काम मंगलवार से शुरू हो रहा है। इन टीका एक्सप्रेसों की मदद से लोगों को टीका लेने में सहूलियत होगी। लोगों को यह सुविधा उनके घरों पर ही उपलब्ध होगी। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देश पर कोतवाली थाना अंतर्गत गंगाडी में छापेमारी कर विभिन्न ब्रांड के अवैध बियर एवं विदेशी शराब बरामद कर जब्त किया गया। मौके पर घटनास्थल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है एवं परिसर मालिक के विरुद्ध फरार मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने यह कार्रवाई किया है। उधर जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के बिहार के विश्वी विधानसभा के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर द्वारा भगवान विश्वकर्मा का अनादर करने पर घोर चिंता जताई गई। समाज के प्रतिनिधि मंडल डीसी को ज्ञापन सौंपकर भाजपा विधायक से सार्वजनिक माफी मांगने और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की है। मामले के संबंध में विश्वकर्मा समाज के अनुज कुमार ने बताया कि भाजपा विधायक ने भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति के ऊपर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई, जो घोर निंदनीय है। भगवान विश्वकर्मा का ये अनादर है। उन्होंने भाजपा विधायक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और विधायक पर मुकदमा चलाने की मांग की। मेरा नाम अतुल शर्मा, झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के कार्यकारी अध्यक्ष सह जमशेदपुर विश्वकर्मा के अध्यक्ष। ये घटना इस प्रकार का है कि मधुबनी जिला के बिस्ती विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरिभूषण ठाकुर के द्वारा विश्वकर्मा भगवान के मुखौटा को हटा कर करके माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखौटा पर लगाया गया है। इसे विश्वकर्मा समाज में काफ़ी रोष है। इसे हमारे विश्वकर्मा समाज ही नहीं, सनातन धर्म का काफ़ी ठेस पहुंचा है। हम ऐसे हरकत करने वाले विधायक को निलंबन करने की भी मांग करते हैं। उन पर FIR हो, वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इसलिए ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोग। खास महल सदर अस्पताल में विधायक संजीव सरदार ने विधायक निधि से डायलिसिस मशीन दिया और इसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया। इससे डायलिसिस मशीन से हॉस्पिटल आने वाले दूर दराज के ग्रामीण मरीजों को इलाज करने में काफी सहूलियत होगी। वहीं इस मौके पर जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार लाल और डॉक्टर और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। डॉक्टर साहब लीजिए भाई, पीछे से बैठ के साथ लीजिए। मिशन चलिए जी जी काम करो। विधानसभा क्षेत्र सदर हॉस्पिटल में एक हम लोग अपना डायलिसिस मशीन हम लोग का जो इसमें हम लोग का जो खत्म क्योंकि अगर देखा जाए का विधानसभा अंतर्गत क्षेत्र में आता है सदर हॉस्पिटल और आज सरकारी हॉस्पिटल में से MGM हॉस्पिटल आता है। आज MGM हॉस्पिटल में इतने संख्या से वहाँ पेशेंट जाते हैं जिनके कारण लोग बहुत सा सरकारी सुविधा से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हम लोग की बहुत संख्या में भी सदर हॉस्पिटल आते थे मरीज लोग, जिसका कारण
नुक्कड़ गरीब लोग हम लोग जो क्षेत्र भ्रमण करते थे, क्षेत्र भ्रमण के दौरान वो एक जगह ऐसे बात आया, गरीब लोग जो हैं उन लोगों को शिकायत किया कि हम लोग को बीमारी जो डायलिसिस होता है वो कर नहीं पाते हैं, तो इसका देखते हुए हम लोग डायलिसिस मशीन इस सदर हॉस्पिटल में दिए। बर्मा माइंस पुलिस ने रघुवर नगर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का शिलान्यास तोड़े जाने के मामले में भारतीय जनतंत्र पार्टी सरयू राय समर्थक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व विरोध जताने सरयू राय अपने समर्थकों के साथ बर्मा माइंस थाना पहुंचे और थाना प्रभारी राजू से भेंट कर नाराजगी जताई। सरयू राय का कहना था कि घटना में पुलिस ने काउंटर केस दर्ज किया था, शिलापट उनके नाम का तोड़ा गया था और केस भी उनके समर्थकों पर किया गया, गिरफ्तारी भी उन्हीं के समर्थकों की हुई, यह बिल्कुल ही अनुचित है। सरयू राय समर्थक व पार्टी के जिला महामंत्री मनोज सिंह उज्जैन का कहना है कि उनकी पार्टी की ओर से लक्ष्मी मुंडा के बयान पर रामबाबू तिवारी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। अगर दूसरे पक्ष से कार्रवाई नहीं की गई तो वे लोग DGP व DIG से शिकायत करेंगे। वहीं थाना प्रभारी राजू ने विधायक सरयू राय को बताया कि वारंटियों की गिरफ्तारी का निर्देश CTSP की ओर से दिया गया था, जिसकी तहत वारंटियों की गिरफ्तारी की जा रही है, दूसरे पक्ष के लोगों की भी पुलिस गिरफ्तारी करेगी। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों कमल किशोर अग्रवाल, दुर्गा राव, रंजीत कुमार और गोल्डन को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है। पता चला, मैं बाहर ऑफिस जमशेदपुर में था कि हमारे विधायक प्रतिनिधि कमल किशोर जी और हमारे बर्मा क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ता दुर्गा राजू को पुराने रघुवर नगर का कुछ मामला था, जिस समय चुनाव के बाद रघुवर दास के सारे में काफ़ी हम लोग के जो नए नवीन संगठन है लोगों को दबाया जा रहा था, सरयू राय जी का शिलापट को तोड़ा जा रहा था जगह जगह में, तो जब क्रिया के विपरीत में प्रतिक्रिया भी होती है, इस प्रतिक्रिया में भी हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको माकूल जवाब दिया गया, लेकिन एक तरफ जिला प्रशासन का जो एक आँख में काजल एक आँख में सुरवा वाला काम दिख रहा है, वही ये में तो हमारे रामबाबू तिवारी जी जो रघुवर दास के गुर्जर थे, उनके करीबी थे, उनके बेटे के ऊपर भी हमारे लक्की मुंडा को ऊपर पत्थर चलाया गया, STSC का भी यहाँ पे केस किया गया, लेकिन अब तक उन लोग इस गिरफ्त से बाहर है। वही हमारे जो सक्रिय हमारे पदाधिकारी है जो बिजली सड़क रोड नाली का काम कर रहा है। कल रात को 12:30 बजे जिला प्रशासन द्वेषपूर्ण भाव से कार्रवाई करते हुए भारतीय जनतंत्र मोर्चा के 4 कार्यकर्ताओं को उठा ली है और जिस केस का हवाला दे रही है यहाँ पे थाना में हम लोग को पता चला, उस केस में भारतीय जनता पार्टी के रामबाबू तिवारी उनके बेटे और भी लोग के ऊपर में केस हुआ है, लेकिन उन लोग के ऊपर में कोई गिरफ्तारी या कोई अरेस्टिंग उन लोग का नहीं हुआ, ना उन लोग के साथ में प्रशासन कोई जबरदस्ती किया, ना उनके घर पर दबिश दी, लेकिन भारतीय जनता मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रात को चोर की तरह जिला प्रशासन ने जा कर के उठाया है। पूरा का पूरा रात में कमल किशोर अग्रवाल, दुर्गा राव, रंजीत कुमार और गोल्डी 4 व्यक्ति किस मामले में उठाया गया, ये लोग कह रहे हैं कि शिलापट तोड़ने का मामला जो है और उसमें काली पोतने का। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान, ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर, लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना,
मानगो जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956158। श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी सुप्रसिद्ध रामकृष्ण महाराज जी श्री शिरडी से पूजा करके जनता के विशेष अनुरोध पर जमशेदपुर आए हैं। श्री साईं बाबा का परम भक्त का अद्भुत चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं बल्कि सिद्धि है। आपका चेहरा हस्तरेखा फोटो देखकर दिल की बातें बताते हैं। स्त्री पुरुष पर किसी भी प्रकार की समस्याओं का स्वामी जी भक्ति पूजा पाठ एवं सिद्धि से 100% गारंटी से निवारण करते हैं। संतान व्यापार राजनीति विदेश भ्रमण प्रेम विवाह प्रेम भंग शिक्षा स्वास्थ्य एवं शत्रु से मुक्ति के लिए मिलें। स्वामी जी द्वारा कई नेता अभिनेता एवं उद्योगपति ने भी लाभ उठाया है। जिन लोगों का ज्योतिष एवं तांत्रिक पर से विश्वास उठ गया है वे एक बार अवश्य मिले। पहली ही मुलाकात में समाधान होगा, इसका लाभ अवश्य उठा। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला जिले में हत्या के साथ अपहरण मामले भी तेज होते जा रहे हैं। व्यवसायी महेंद्र अग्रवाल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने के बाद पुनः कांडरा कपड़ा व्यवसायी देबू अग्रवाल के पुत्र मनीष अग्रवाल के अपहरण के 6 दिन बीत जाने के बाद भी सरायकेला पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। व्यवसायी संघ ने विरोध प्रकट किया है। कांडरा के व्यवसायी देबू अग्रवाल के पुत्र के अपहरण के चर्चित मामले में 6 दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं और अपहरण हुए मनीष अग्रवाल का सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि कांडरा पुलिस अपहृत व्यवसायी पुत्र मनीष अग्रवाल की रिहाई के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। अभी तक दर्जनों जगहों के CCTV फुटेज पुलिस खंगाल चुकी है। मनीष के मित्रों से लेकर सगे संबंधियों तक से जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया। पुलिस लगातार टीमें बनाकर एक साथ कई जगह हाथ पांव मार रही हैं। बावजूद इसके अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। सोमवार को बकायदा इश्तेहार भी जारी करने का पुलिस अधीक्षक ने निर्देश जारी किया है। इधर देबू अग्रवाल के घर मातम का माहौल छा गया है। उनकी पत्नी पिंकी देवी का रो रो कर बुरा हाल है और कभी कभी वह बेसुध भी हो जा रही है। स्थानीय सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से लेकर मांझी परंगना महाल सहित कई संगठनों के लोग तथा व्यापारी वर्ग के कई शुभचिंतक व्यवसायी के घर पहुंचकर ढांढस बंधा चुके हैं। 5वें दिन भी मनीष का सुराग नहीं मिलने पर सोमवार को जमशेदपुर के मारवाड़ी समाज के लोग कांडरा थाना पहुंचे। इससे पूर्व सोमवार सुबह स्थानीय व्यवसायियों ने कुछ देर के लिए अपनी अपनी दुकानों का शटर लगाया और संयुक्त रूप से थाना प्रभारी से मिलने पहुंचे। लोगों ने मनीष अग्रवाल की सकुशल घर वापसी की पुलिस से गुहार लगाई। थाना प्रभारी राजन कुमार ने मिलने आए व्यवसायियों को भरोसा दिलाया कि पुलिस पूरी तत्परता के साथ मनीष की घर वापसी का प्रयास कर रही है। उन्होंने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की। आप लोग सर इस केस में क्या डिमांड करना चाह रहे हैं अभी? देखिए तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कपड़ा हम लोग सब कपड़ा व्यवसायी हैं। जमशेदपुर से हम लोग कपड़ा व्यवसायी करते हैं और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे एक रिटेलर दुर्गा स्टोर कांडरा में जिनका दुकान है उनके परिवार के एक सदस्य मनीष जी मिसिंग है पिछले विगत 23 तारीख से शाम 4 बजे से, और जिसके लिए इनके परिवार के द्वारा कांडरा थाना में FIR दर्ज किया गया है, मिसिंग कंप्लेन दर्ज किया गया है। और इनके परिवारों के परिवारजनों के द्वारा जो भी अथक प्रयास था इन्होंने अपना प्रयास पूरा किया। जिले के SP से मिले, जिले के DSP से मिले और भी जिन लोगों से इन लोगों को मिल करके अपना पैरवी अप्रोच लगाना था इन लोगों ने लगाया है। आज हम लोग व्यवसायिक जमशेदपुर के जो भी व्यवसायिक संस्थान के लोग हैं इनके समर्थन में यहाँ आए हैं और इनको एक सहानुभूति भी प्रदान हो और इनको एक हिम्मत मिले इस नाते हम लोग आए हैं कि और हम लोग से जो बन पड़ेगा हम लोग इनके मिसिंग बच्चे के लिए वह पूर्ण प्रयास करेंगे। परसुडी बागबेड़ा खास महल सुंदरनगर क्षेत्र में CO की ओर से मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क पहनने वाले लोगों को CO ने फटकार लगाई। वहीं सड़क के किनारे बिना मास्क पहने दुकानदारों और ग्राहकों को जमकर फटकार लगाया गया।
सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया, अभी कोरोना संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जुगसलाई ईदगाह मैदान को पार्क बनाने का स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में स्थानीय व्यक्तियों ने जानकारी देते हुए विरोध के कारणों के संबंध में बताया कि पार्क बनने के बाद लोग पार्क में अड्डाबाजी करेंगे। यहां पर लोग ईद का नमाज पढ़ते हैं, पार्क बन जाने पर ईद का नमाज पढ़ने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नमाज होता है, ये पार्क बन रहा है, इससे बहुत ऑब्जेक्शन है। ये ईदगाह के लिए रहना चाहिए, ना खाली नमाज के लिए, ना पार्क बने ना कुछ बने। यहाँ अड्डाबाजी होगा तो ऑब्जेक्शन होगा, घर अलग हो, माँ बहन को सबको तकलीफ होगा ना, बैठेगा सब अड्डाबाजी करेगा तो परेशानी होगा आने जाने वाला लेडीज लोग को, इसलिए यहाँ पार्क नहीं बनना चाहिए, खाली मैदान रहना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? ईद का नमाज होता है, इसमें ये पार्क नहीं बनना चाहिए। हम लोग ईद कमेटी को भी बोले हैं, मदर विधायक जी भी इसके लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये नहीं बनना चाहिए। आदित्यपुर में इस साल आदित्यपुर की दुर्गा पूजा फीकी रहेगी, सरकारी गाइडलाइंस के देखकर सादगी से मनाया जाएगा दुर्गा पूजा। सरकारी गाइडलाइंस और दो दो पूजा कमेटियों के संरक्षक के घर घटना के बाद मंगलवार को केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष सह ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, इस साल भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत दुर्गा पूजा आयोजित किया जाना है। इसको लेकर जिले के सभी पूजा समितियों के साथ बैठक कर निर्णय लेते हुए यह तय किया गया कि पूजा पंडाल सरकारी गाइडलाइन के तहत ही बनेंगे। सभी पूजा पंडालों में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा, सैनिटाइजर और मेडिकल टीम मौजूद रहेगी, 100 फीट की दूरी से प्रतिमा का दर्शन किया जा सकेगा। वहीं जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब के संरक्षक प्रवीण सिंह की मौत के बाद इस साल पूजा पंडाल में लाइटिंग की व्यवस्था नहीं रहेगी। वहीं एसटाइप दुर्गा पूजा के संरक्षक अरविंद सिंह के पुत्र डॉक्टर अमित कुमार की मौत के बाद वहां भी दुर्गा पूजा सादगी पूर्वक मनाया जाएगा, जबकि हरिओम नगर में भी देर से गाइडलाइन जारी होने के कारण दुर्गा पूजा सादगीपूर्ण मनाने का निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर आदित्यपुर की सभी दुर्गा पूजा कमेटी इस साल सादगीपूर्ण तरीके से पूजा मनाने का निर्णय लिया है। पूर्व विधायक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पंडाल घूमने नहीं आने के सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि इससे परिवार में विद्वेष बढ़ेगा। उन्होंने जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब पूजा पंडाल का उद्घाटन मंत्री चंपाई सोरेन द्वारा किए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि पहली पूजा से ही दर्शन के लिए पंडाल के पट खुल जाएंगे। एक 18 साल के कम उम्र के लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं, एक छोटे बच्चे, ये पूजा छोटे बच्चों के लिए भी होती है, उसको कैसे गार्जियन घर में छोड़ करके चल सकते हैं? ऐसे लगता है ये, मगर व्यवहारिक रूप से ये सही नहीं है और ये तो परिवार में ही विवाद हो जाए, तो ये सब चीज़ को भी दे करके जल्द से जल्द गाइडलाइन में प्रिकॉशन ले, वहाँ की सफाई की व्यवस्था हो, मेरे पूरे रोड में ब्लीचिंग पाउडर का, डिटोल, फिनाइल का छिड़काव होता है नाली में चारों तरफ, सारी जो फॉगिंग मशीन है जिसके चलते धुआं एक करके जो भी बैक्टीरिया रहे सब, वो सब पर लोग नीटन क्लीन करते हैं, वो सब हम लोगों ने सारा प्रिकॉशन लिया। इस बार पिछले बार हम लोग 30 फीट से दिखा रहे थे लोगों को बाहर से पंडाल, इस बार हम लोगों ने 100 फीट दूरी तय किया है, 100 फीट से ही पंडाल को देखेंगे और वहीं से माँ का दर्शन करेंगे और वहीं से लोग। सीताराम डेरा मंडल में भारतीय जनतंत्र महिला मोर्चा का संगठन का विस्तार किया गया। सीताराम मंडल में भारतीय जनतंत्र मोर्चा की महिला अध्यक्ष शारदा शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को महिला संगठन का विस्तार कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भारतीय जनतंत्र मोर्चा की महिला जिला अध्यक्ष मंजू सिंह समेत पार्टी के कई जिला महिला पदाधिकारी उपस्थित रहीं। वहीं महिलाओं को भारतीय जनतंत्र मोर्चा संगठन को मजबूत करने के लिए उनको पद दिया गया और जिम्मेवारी सौंपी गई।
वहीं महिला जिला अध्यक्ष मंजू सिंह ने कहा कि सभी महिलाओं को मंगलवार को पद दिया गया ताकि महिलाएं संगठन को मजबूत बना सके। सभी महिलाओं को मैं धन्यवाद देती हूं जो भारतीय जनतंत्र मोर्चा से जुड़कर काम करना चाह रही हैं, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। आज महिला मंडल का भारतीय जनतंत्र मोर्चा गठन किया गया है। इसमें शारदा शर्मा को अध्यक्ष के रूप में मैंने घोषित किया है। पिछले दिनों हमने बिरसा नगर और बर्मा माइंस मंडल का भी घोषणा की है। धीरे धीरे हम पूरे जिले में मंडल की महिलाओं का अध्यक्षता का घोषणा करते हुए जा रहे हैं और एक बड़ी टीम के रूप में भारतीय जनतंत्र महिला मोर्चा बनने जा रही है जो पूरे जिले में महिलाओं के लिए कार्य करेगी। इसमें सबसे पहले हमने एक ही लक्ष्य रखा है कि समाज के सबसे नीचे पायदान पे जो महिलाएं हैं उनको समाज के मुख्य धारा में कैसे जोड़े। दूसरा हमारा ये है कि महिलाएं जो होती है घर की रीढ़ होती है, तो उनको शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित दो जानकारी हम देने जा रहे हैं और इसके लिए छोटी छोटी टीम सभी इलाकों में हमारी घूमेंगी। इसमें जिला की जितनी पदाधिकारी हैं वो नेतृत्वकर्ता के रूप में जाएंगी टीम को लेकर। और जैसा कि कहा गया है कि पिछड़े वर्ग की महिलाएं बहुत कुछ जानकारी के बिना उनको अवगत नहीं रहने के कारण उनको परेशानी होती है, तो उस तरह की जानकारी हम लोग उनको देंगे। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत साक्षी बाजार स्थित बताशा लाइन में 3-4 दिनों से खड़ी एक लावारिस बाइक को पुलिस ने जब्त किया। साक्षी पुलिस लावारिस बाइक को जब्त कर थाना ले गई। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि बाइक किसकी है और वह वहां कैसे आई। स्थानीय दुकानदार के अनुसार बाइक 3-4 दिनों से वहां खड़ी है। बाइक संख्या MH12NV7221 के बारे में उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। संतोष जी, क्या सूचना मिला? सूचना थाना के द्वारा मिला कि बताशा लाइन में एक गाड़ी लगी हुई है। यहाँ आने के बाद पता चला दुकानदार भाई लोग से कि 3-4 दिन से लगा हुआ, तो हम लोग इसको अपने रिकवर करके थाना ले जा रहे हैं। जिसका होगा फिर आके ले जाएगा। ठीक है, अज्ञात गाड़ी है जो यहाँ करीब 3-4 दिन से खड़ी है। सर अगल बगल से सुनने में आया है कि वो 3-4 दिन से खड़ी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, 4-5 दिन से मेरी दुकान बंद थी। इसके आगे अभी 11 बजे हम दुकान खोलने आए तो ये देख रहे हैं कि गाड़ी खड़ी है। अगल बगल से पूछने वालों से पता चला गाड़ी शनिवार के दिन से खड़ी है। बस यही मतलब ये एक कॉल में पुलिस आ गई, पुलिस को मैंने कंप्लेन किया तो अजी सी बात है कि गाड़ी देखिए अज्ञात की गाड़ी खड़ी है। क्या नाम है आपका? समीर। तो अभी क्या बोल रहे हैं प्रशासन के लोग? प्रशासन के लोग आए हैं, जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जो गाड़ी है गाड़ी लेके जाएंगे। और मरीन ड्राइव पर कार और ट्रक आमने सामने सट गए, किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। मंगलवार को आमने सामने कार और ट्रक सट गए लेकिन किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई और न जान माल का कोई नुकसान हुआ। दूसरी घटना साक्षी घोड़ा हाथी मंदिर के पास हुई। कार और ट्रेलर के बीच टक्कर में कार क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कौन सी गाड़ी है आपकी? ट्रेलर। क्या नंबर है गाड़ी का? 004JD0340। किधर से आ रहे थे आप? गवाड़िया से आ रहे हैं। जा रहे हैं कहाँ? कौन सा ट्रांसपोर्टर गाड़ी है आपका? JT3।
क्या बात है जो अभी 10 मिनट में दो एक्सीडेंट हुआ है? कहाँ दो एक्सीडेंट हुआ है? एक मेरिन ड्राइव में, एक आपके सामने हुआ है। मेरिन ड्राइव में कहाँ हुआ? ये बगल में लिफ्ट कार है, बगल में चला गया। खड़ी है? नहीं है, खड़ी है। कहाँ? यहाँ क्या हुआ है? बाइट देने का टाइम नहीं है, खड़ी हुई। नहीं नहीं, यहाँ क्या हुआ बताइए ना। अरे इसी को बताइए, खड़ी है। एक गाड़ी स्टार्ट करके तो क्रेन मंगा उठा रहे हैं। बोल रहे तुम? मालिक आ रहे हैं। कहाँ का है गाड़ी? यही बारवा में से गाड़ी है। क्या नाम है मालिक का? मनन। क्या हुआ है? हम लोग जब आ रहे थे उधर से काबू से, तो गाड़ी जो है सो आके इधर दबा दिया, आवाज दे रहा सुन ही नहीं रहा है। वो तो बोल रहा है कि मेरे बाद में बोलता है खलासी नहीं है, तो खलासी नहीं तो इतना बड़ा गाड़ी है तो क्यों कैसे चला रहा है भाई? कोई घायल उल भी हुआ है? मेरा पैसेंजर बच गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुरंत उतर के सामने से उसको रोका गाड़ी पे। कहाँ से जा रहे थे आप? कहाँ से आ रहे हैं? चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शहीद भगत सिंह की 114वीं जयंती मनाई गई, उनकी कुर्बानी को किया गया याद। डीसी ने हरी झंडी दिखाकर पोषण रथ किया रवाना। कपाली यूपी क्षेत्र के ताजनगर में नव विवाहिता की हत्या मामले में पुलिस ने पति समेत सास ससुर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और सरायकेला खरसवा के कुदरसाई में एक युवक को गोली मारने के बाद पत्थर से सर कुचल कर की गई हत्या, मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं।
और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।